कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर जम्मू कश्मीर में भले ही उत्साह न हो, लेकिन पड़ोसी देश इन्हें लेकर बहुत उत्साह में है। यहां तो उनको कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन वहां पूछा जा रहा है। पाकिस्तान में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस की बल्ले बल्ले हो रही है। पाकिस्तान में पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का खुलकर समर्थन किया है पाकिस्तान से। समूहों की भी जी भर के तारीफ करूंगा, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी सरकार इनकी सुविधाएं बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है। साथियों, हमारे इन प्रयासों के बीच आपको बहुत सावधान भी रहना है, बहुत सतर्क भी रहना है। कांग्रेस को दिया गया हर एक वोट यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के मैनिफेस्टो को लागू करेगा। और ये क्या घोषणा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये यहां आर्टिकल 370 को वापस लौटाएंगे, यानी ये खून खराबे के उस पुराने दौर को फिर लौटाना चाहते हैं। साथियों, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर जम्मू कश्मीर में भले ही उत्साह न हो, लेकिन पड़ोसी देश इन्हें लेकर बहुत उत्साह में है। यहां तो उनको कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन वहां पूछा जा रहा है। पाकिस्तान में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस की बल्ले बल्ले हो रही है। पाकिस्तान में इनके मैनिफेस्टो, इनके घोषणा पत्र से पाकिस्तान बहुत खुश नजर आ रहा है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का खुलकर समर्थन किया है पाकिस्तान से। उनका कहना है कि आर्टिकल 370 और 35A को लेकर कांग्रेस और एनसी का एजेंडा वही है जो पाकिस्तान का एजेंडा है। ये वहां के मंत्री बोल रहे हैं, यानी कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की पोल खुद पाकिस्तान ने खोल दी है। यानी कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां पर पाकिस्तान का एजेंडा लागू करना चाहते हैं। पाकिस्तान के जिस एजेंडे ने जम्मू कश्मीर की पीढ़ियां बर्बाद की, हमारा खून बहाया, वही ये लोग यहां फिर से लागू करना चाहते हैं। दशकों तक कांग्रेस एनसी ने यहां वही काम किया जो आतंक के आका पाकिस्तान को सूट करता था। आज भी ये आतंक के आका के उसी एजेंडे को लागू करना चाहते हैं। लेकिन मोदी आज कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को डंके की चोट पर कह रहा है, हम जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के एजेंडा को लागू नहीं होने देंगे। दुनिया की कोई ताकत जम्मू कश्मीर में
आर्टिकल 370 की वापसी नहीं करा सकती। भाइयों और बहनों, भाजपा के लिए देश से बड़ा कुछ नहीं है। हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता देश का विकास है। आपको यहां ऐसी भाजपा सरकार बनानी है जिसकी गारंटी पक्की होती है, जो किसानों की सम्मान निधि 10,000 रुपया करने वाली है, जो मुफ्त इलाज की सीमा 7 लाख रुपए तक करने वाली है, जो हर साल बहनों को 18,000 रुपए की मदद देने जा रही है। साथियों, यहां बारीदार समाज के जो पुराने मुद्दे हैं, ये बारीदार समाज के पुराने मुद्दों को मैं जानता हूं, समझता हूं। हमने ही बारीदार समाज के बच्चों की 12वीं तक की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप शुरू करवाई थी। पिछले 10 साल में बारीदार समाज के युवाओं को 9 करोड़ रुपए से अधिक की स्कॉलरशिप दी गई है। बेटियों की शादी के लिए भी सैकड़ों परिवारों को 3.5 करोड़ रुपए की मदद दी गई है। भूभाग और कटरा ब्लॉक के दूर दराज के गांवों में विकास के कामों से भी बारीदार समाज को सुविधा मिली है। बीजेपी ने वादा किया है कि बारीदार समाज के मुद्दों को सुलझाने के लिए और भी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। साथियों, मां के इस पावन धाम से मैं आपको एक और बात के लिए फिर आश्वस्त करता हूं। जम्मू कश्मीर को हम फिर से राज्य बनाएंगे। और ये चुनाव में मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं, ये हमने देश की संसद में, पार्लियामेंट में घोषणा की हुई है। इसलिए मैं जम्मू कश्मीर के मेरे भाइयों बहनों से यही कहूंगा कि 25 सितंबर को हमारे इन सभी एमएलए आगे आ जाए, कैंडिडेट सारे आगे आ जाए, सब खड़े हो जाए। हमारे इन सभी साथियों को एमएलए बनाकर भेजना है।